किसी भी पॉइंट, ये होता है पॉइंट या सेंटर, और इस पे क्या करते हैं पता है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपना कंपास रख के एक सर्कल बनाते हैं। मेरा कंपास ये रहा, अच्छा नहीं बना, अरे बना ही नहीं कुछ, तो रुको ना एक मिनट। ताकि आप लोगों को दिखे दूर से, मैंने अप्रोक्स सर्कल में देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं, चार पांच चीज अभी सीख लोगे हो जाएगा, अभी बोलिएगा मत। ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है, सुन में, ये बाहरी वाला जो लाइन है, घेरा है ना, इसको क्या कहते हैं बोलो कोई, सर्कमफ्रेंस। जी सर्कमफ्रेंस ही बोलते, ही नहीं ही, अच्छा सर्कमफ्रेंस मतलब बेटा ये इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी में घेरा कहते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा व्यास, नहीं व्यास नहीं दूसरा, हिंदी छोड़ो यार, हिंदी के चक्कर मत रहो। अब देखो कौन बातें कर रहा है, ये जो सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली कोई भी लाइन, चाहे ये हो या ये हो, कोई भी लाइन जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाती है, लेकिन दोनों तरफ नहीं केवल एक तरफ, उसको कहते हैं रेडियस। बिल्कुल, अब ये मान लो कि मैंने ये तो बता दिया रेडियस किसको कहते हैं, अगर मैं क्या करूं कि सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींच दूं एकदम आर पार, बिल्कुल है ना, तो इसको क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। आस्था यहां ध्यान दो, ठीक है, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो आधा आधा हिस्सों में बांट देता है, दो सेमी सर्कल में बांट देता है। अब बेटे इस टमाटर को ऐसे काटो तभी दो टुकड़े, ऐसे काटो तभी दो टुकड़े, ऐसे काटो तभी दो टुकड़े बनेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो डायमीटर किसी भी सर्कल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, और वो जो आधे आधे हिस्से होते हैं उसको सेमी सर्कल कहा जाता है। क्लियर है, ओके, हाँ कोड ही बता रहे। आप लोग डॉट्स, आप लोग सेंटर समझ चुके हैं, रेडियस क्या होता है मैंने बता दिया, डायमीटर बता दिया, सर्कमफ्रेंस बता दिया, क्लियर है ना। अब मैं आपको कोड बता रहा हूं, देखो किसी भी जो सर्कमफ्रेंस है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस को मिला है दो पॉइंट पे, सर्कल के दो पॉइंट को मिला है, उसको कॉट कर, जी नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, ऐसा नहीं, कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉट क्या होता है, उसका डायमीटर, अगर उसके सेंटर को मिलाते हुए सर्कमफ्रेंस को टच करे, दो पॉइंट पे टच करे, तो डायमीटर हो जाएगा, और किसी सर्कल का सबसे बड़ा कॉट उसका डायमीटर। फिर से सुनो, ये सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कॉट कही जाती है, ठीक है, सर्कल के किसी दो पॉइंट को, यहां पर भी देखो मैं सबका पॉइंट का नेम दे देता हूं आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। जैसे देखो ए बी पी क्यू आर एस एक्स वाई, अलग अलग पॉइंट दिख रहा है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ठीक है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम लोग कॉट करते हैं, बोलिए, खुद भी एक क्या होता है, कॉट ही होता है, लेकिन डायमीटर जो होगा एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉट, क्लियर है। और जो जो सेंटर को टच नहीं करते वो तो कॉर्ड है ही, और जो सेंटर को टच कर जाते वो कॉर्ड भी है और डायमीटर,
क्लियर है? किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, फिर समझाएंगे। देन दो पॉइंट देख रहे हमने सर्कल पे, ये दो पॉइंट इसको लाइन जो मिलाते हैं उस लाइन को कॉर्ड करते हैं, मतलब ये भी कॉर्ड है, ये भी, ये चौड़ मत कर देना, एच साइलेंट रहता है। मैं बचपन में गलती करता था, हमारे टीचर ने बताया नहीं था। एक्सरसाइज कराएंगे, पूछना मेरा तो उसी तरह होता है। चाहे सेंटर से टच करती भी लाइन भी क्यों ना बने, वो भी कॉर्ड होगी, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाती है, बीच में कितने भी पॉइंट हैं इट डजंट मैटर। क्लियर है ना? देखिए आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, इसको पाई करते हैं, तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और जो भी r दिया जाए आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो r आपके लिए 14 दे दिया गया, मतलब ये है ना 14 सेंटीमीटर रेडियस आपको दे दिया गया, तो 7 × 2 = 14, 12 × 2 = 44, 44 × 2 = 88 सेंटीमीटर का आंसर होगा। इस तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाला जाता है। ठीक है, देखो आपको अभी इस क्लास तक, फोर्थ फिफ्थ तक, सर्कल में तीन ही चीज निकालने के लिए दिया जाएगा, या तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, दो हम यहां मल्टीप्लाई रखेंगे, और r जितना भी रेडियस है। मान लो ये हमारा एक सर्कल है जिसका रेडियस हमको 14 सेंटीमीटर दिया है, और कहा जाए कि इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, दो, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी रेडियस 14 है तो हमने यहां 14 रख दिया। अब ये देखो 7 × 2 = 14 कट गया ना, तो 12 × 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 12 × 2 = 44, और 44 × 2 = 88 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर है? या कभी डेसिमल में होता है तो 3.14 होता है, अभी आप लोगों 22/7 ही याद रखना है। सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है, आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा, मुंह बंद कर लेना, रेडियस दिया हुआ रहेगा। अब रेडियस दिया हुआ है तो 2πr उसका फॉर्मूला होता है, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, मैंने बताया ना पाई की वैल्यू 22/7, और ये r मतलब रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हमने यहां रखा, तो ये इसको कट कर लेते हैं, देख लेंगे, तो 7 × 2 = 14 कट जाता है, हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर ऊपर रह गया 22 × 2 = 44, और 44, अब सबको मल्टीप्लाई करें ना, 44 × 2 = 88 सेंटीमीटर। अब आपके पास आएगा डायमीटर निकालने के लिए, मान लो कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू रेडियस है ना, तो 2 × 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस डायमीटर हो गया। रेडियस का डबल डायमीटर होता है, जितना रेडियस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियस अगर निकालना हो तो आपको अगर डायमीटर दिया, जैसे मान लो ये जो आपको देख रहे हो सर्कल में 14 सेंटीमीटर आपका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको रेडियस निकालना है, तो हाफ इंटू डायमीटर, तो बेटा हाफ डायमीटर हमारा 14 है, 2 × 7 = 14, 1 × 7 = 7 ही होता है, तो 7 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये तीन ही चीज आपको निकालना है, रिकॉर्डेड है आपके बोर्ड पे। चलिए खत्म।